भारत तो भारत रहा ही नहीं भाई साहब, भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब समझते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान क्या है फिजा खलीफा? आपको बताएगी हमारी स्मृति ईरानी जी। पूरे पाकिस्तान के लिए और आपके लिए वो अकेली काफी है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। म्यूजिक पाकिस्तान पे एक बार फिर से अमेरिका फिदा हो गया। पाकिस्तान का और अमेरिका का रिश्ता लेला मजनू की तरह। थोड़े टाइम से अमेरिका पाकिस्तान पे नाराज चल रहा था, पाकिस्तान की इमदाद भी देना उसने बंद कर दिया था, लेकिन अभी वापस से फिर अमेरिका थोड़ा मेहरबान हुआ है और थोड़ी भीख देना शुरू किया है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। फाइटर जेट F-16 जो अमेरिका ने पाकिस्तान को भीख के अंदर दिए थे आतंकवादियों से लड़ने के लिए, लेकिन आतंकवादियों से लड़ने के तो काम आते नहीं। हमारे विदेश मंत्री जब जयशंकर जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिका को फफेड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान इन F-16 को हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करने वाला है। तो पाकिस्तान के पत्रकार इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी आवाम के बीच में गए और ये जानने की कोशिश की है आखिर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इसी सब का हम लेंगे आनंद, चलते हैं पाकिस्तान। मैं लियाकत आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएसए अमेरिका से F-16 खरीदे हैं, डील चल रही है। क्या हमें ये फ्लड की सिचुएशन में F-16 लेने चाहिए था या नहीं लेने चाहिए, ये क्वेश्चन है। खरीदने चाहिए थे या नहीं खरीदने चाहिए, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया वालों का या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये शायद जो F-16 है ये हमारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि चलो सलाब आया था उसका उनकी जो है ना वो उनकी मदद करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। इंडिया डरता है पाकिस्तान से, वो लेने भी चाहिए थे, लेने चाहिए थे। अबे भूखे नंगो, तुमसे इंडिया क्यों डरेगा? तुम्हारे पास में है क्या खाने को? तो तुम्हारे पास में दाने नहीं है, भूखे तुम मर रहे हो। तुम्हारा पाकिस्तान एक तिहाई पानी में डूबा हुआ है, एक एक बाल तुम्हारा कर्जे में घिरा हुआ है, और हम तुमसे डरेंगे? ओह माय गॉड, वो कैसे? ये जी सब अच्छा है, हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को, सब झूठ और फरेब साबित हो गया। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी दोराहे पर खड़ा हुआ है। IMF ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले क्रॉस कर गई। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये बोला? ये ईमान की जो ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में, ईमान के जज्बे से डरता है। हमें है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम सही हैं, बाकी पूरी दुनिया ठीक है, हम ही जन्नत में जाएंगे, ये सब तो जलेंगे। तो जब आप इतना ऊपर से आते हो ना, जब आपको फीड ये किया गया है 15 साल 20 साल के भाई तुम ही सबसे सुपीरियर हो, बाकी सब तो फारिग हैं, तो फिर आप चौड़े आते हो। फिर जब आप इस तरह बिहेव करते हो ना तो अगला बोलते हैं यार तेरे पास है तो कुछ नहीं, $800 मिलियन की इमदाद पे तुम्हारा पूरा मुल्क, 24 करोड़ लोगों का मुल्क $800 मिलियन की इमदाद के आगे बैठा हुआ है IMF पे, और चौड़े तुम पूरे हो, समझ रहे हैं? होता ना गली मोहल्ले का जिसके पास गोल्ड लीफ के पैसे नहीं होते लेकिन भरम पूरे करा रहे थे, वो तू भरम करा किस बात कर रहा है? तो हम वही लौंडा हैं दुनिया के लिए, उसके पास है कुछ नहीं पल्ले को, देने को कुछ है नहीं लेकिन भरम पूरे हैं। तो ऐसे बंदे को ना फिर लोग कटाते हैं, भाई हटाए फारे गए, हम वही हैं दुनिया के। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है, वाह वाह।
और दूसरी बात, मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद हैं? नहीं, वो इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना, अच्छा, मुसलमान के नाम से बना है। अभी मुसलमान इधर जो है ना, इधर जो जज्बा है मुसलमान का, उससे डरता है। आए दिन तो अफगानी तुम्हारे को बॉर्डर पे उड़ाए जा रहे हैं, तुम्हारी आर्मी को टीटीवी वाले तुम्हारे घर में घुस के उड़ा के जा रहे हैं, तो ये जज्बा आ कहाँ रहा है काम भाई, ये तो बता दो जाइलो। क्वेश्चन ये है कि फ्लड की कंडीशन है, इस कंडीशन में पाकिस्तान ने यूएस के साथ डील की है F-16 की, क्या हमें इस कंडीशन में लेने चाहिए? सेकेंडली, इंडिया की तरफ से ये मतलब एक वो नैरेटिव दिखाया जा रहा है, और उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि अमेरिका ने, यूएस ने जो पाकिस्तान को F-16 दिए हैं वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, मतलब ये है कि भाई ये शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी ना वो बेहतर होनी चाहिए। ओके, ये मेन चीज़ इकॉनमी होती है। दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो हम आज़ाद हुए थे पहले से, वो बने थे, लेकिन ये है कि 1947 में डेवलपमेंट हमने इकट्ठे शुरू, ऐसा ही है। आज उनकी इकॉनमी देखें, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश हमसे कतर में अलहदा हुआ है, आज वो देखें हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? फैंस हमारा मजबूत, सिर्फ ये यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ठीक है, और हमारे पास ना इकॉनमी ना ये आवाम का हाल देखें, ये जो ऊपर ऑनलाइन है ये देखें, ये सारी कर्जों पे बनाई हुई है, ठीक है, और कर्जे हम पे कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ इकॉनमी बहुत बुरी है ये तो मानते हैं, ऐसा ही है। तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा नहीं है ही नहीं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, उनका दूसरे नंबर पे वहाँ पे खुल के आवाम जहार कर सकती हैं, हमारे साथ ही थोड़ी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं, आवाम थोड़ी सी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं, ठीक है, ये उधर चीज़ें बेहतर हैं। चीज़ गलत हो गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है, ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो गलत है चाहे वो पाकिस्तान में चाहे इंडिया में दुनिया में कहीं भी, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो सही है उसे सही कहना चाहिए। और मैं अक्सर आपका देखता हूँ प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इंडियन आवाम को और उनको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं दुनिया। मेरा भी यही मानना है कि यार हमें इस टाइम पे इंडिया की ज़रूरत है, ये बड़े लोगों को शायद बात बुरी लगेगी क्योंकि उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो स्टेबल है। अभी जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई है, क्या हुआ है, ऑडियो लीक हुई है, इंडिया से मंगवा रही हैं, उनके अंदर अंदर वो उनके वो तलकार ठीक हैं, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आवाम एक दूसरे से नफरत करें, ऐसा ही है ना। अब आपकी थोड़ी सी देखें, ये भाई साहब ये भी यहाँ के हैं, ये भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, थोड़ी सी सोच चेंज हुई है इनकी बात? नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। देखें जी, एक मिनट में अगर कोई समझाने वाला हो तो यकीन माने एक मिनट के अंदर कोई भी बंदा समझ जाता है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला ही नहीं आज तक मिला, हमें हमेशा लड़ाने वाले मिले हैं। आप मुझे क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो हमें इस कंडीशन में F-16 लेने चाहिए थे या नहीं? नहीं, F-16 की नहीं ज़रूरत, सबसे पहले जो डूब रहे हैं उनका तो कुछ करें, ये जो आम है इनका तो कुछ करें, जहाज लेके जाई जा रहे हैं, जहाज़ों को बाढ़ में डालना, उनका क्या करना है? सबसे पहले आवाम के हाल तो बेहतर करें, आवाम का बेहतर हाल होगा तो उसके बाद जहाज लें, जो भी करें, हमारी कौन से अभी जंग होने वाली है, ठीक है ना। बात है डिफेंस अच्छा मजबूत करना अच्छी चीज है, जाहिर बात है डिफेंस होना चाहिए, लेकिन इकॉनमी आम सबसे पहले आवाम है, आप डिफेंस कर किसका? हाँ जी हाँ, आवाम का कर रहे हैं ना, लेकिन आवाम भूखी मर रही है तो वो डिफेंस को बाढ़ में जाना है कि वो डूब रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात नहीं है कि सारे बेवकूफ़ गधे ही रहते हैं, कुछ समझदार भी रहते हैं। क्या बात है, पाकिस्तान और अमेरिका की प्रेम कहानी के बीच में F-16 आ गया है और जयशंकर जी ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है और वीडियो आपने देख ही लिया है, तो अब आखिरी रस्म बची है कमेंट की, वो भी पूरी कर दीजिए और शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए। मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम भी है, एक को फॉलो कर लो एक को सब्सक्राइब कर लो। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।